आपसे बात कर। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार तरीके से पूरे 6 दिन कंप्लीट करके आज 7वें दिन में एंट्री मार ली है। और दोस्तों ये मूवी मैं कह रहा हूँ अब किसी के भी बाप से नहीं रुकने वाली है। हालांकि पिछले 2-3 दिन में लगातार इंडिया का मैच होने की वजह से इवनिंग के बाद नाइट में डिप देखने को मिल रही थी ग्रोथ में, लेकिन आज 13 सितंबर और कल 14 सितंबर को कोई इंडियन क्रिकेट मैच नहीं है तो आज सॉलिड उछाल मारते नजर आएगी मूवी और ज़बरदस्त भीड़ देखने को भी मिलेगी, खासकर इवनिंग टू नाइट तक। हाँ, 15 सितंबर को फिर ग्रोथ स्लो होगी क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का मैच है उस दिन। लेकिन बात करेंगे आज पूरे दिन क्या सिनेरियो रहने वाला है, आज डे में कैसी क्या ग्रोथ रहेगी मूवी की, इसी के साथ जवान ने कितनी कमाई अभी तक कर ली है, कल डे 6 का दिन कैसा रहा मूवी का, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये कितना कर सकती है, और अभी तक कौन कौन सी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड जवान तोड़ चुकी है, खदेड़ चुकी है लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में, हिंदी में तेजी से कमाई करने के मामले में और फास्टेस्ट ग्रॉसर के मामले में, सब जानेंगे एक एक करके डिटेल टू डिटेल। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना अगर आप भी जवान मूवी रिलेटेड लगातार बिग अपडेट चाहते हैं और SRK के डाई हार्ड फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मूवी का कंटेंट फुल ग्रैंड एक्शनल क्राइम थ्रिलर वाला है जिसमें एक्शन आपको कहीं से कहीं तक कभी भी कम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसी के साथ स्टोरी में सोशियो पॉलिटिकल मुद्दों पर भी जोर डाला गया है, इंडिया में चल रही रॉ प्रॉब्लम्स पर भी जोर डाला गया है, उनको जनता के सामने रखा गया है एक ड्रामेटिक वे में, एंटरटेनमेंट के साथ साथ करप्शन और गरीबों के मुद्दे को भी उठाया गया है। तो कुल मिला के एक ही कॉन्टेंट में मांस मसाला तड़का ढेर सारा एंटरटेनमेंट के साथ हमें मिल गया है और मिलने वाला है जिसने नहीं देखी है उसको। दोस्तों जवान को पूरी दुनिया में पहले दिन 10.5 करोड़ स्क्रीन्स दी गई थी जिसको साउथ के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर अटली कुमार ने डायरेक्शन दिया है, जिन्होंने पहले ही बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रखी हैं विजय थालापति के साथ लाइक थेरी एंड मर्सेल। मूवी को जवान मूवी को लगभग 300 करोड़ के टोटल खर्चे पर कंप्लीट कराया गया था जिसके मेन लीड पर आपको शाहरुख खान देखने को मिलेंगे और सिर्फ एक नहीं बहुत से शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, SRK के मल्टीपल्स रोल देखने को मिलेंगे और मेरा फेवरेट उसमें ओल्ड बियर्ड वाला मैच्योर SRK है जो बिल्कुल गैंगस्टर लुक है जिसकी क्लिप एक वायरल हुई थी बेल्ट से लड़ाई लड़ते हुए, वही वाला। आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर अगर मूवी देख ली है तब। इसी के साथ सपोर्टिंग कास्ट इज अमेजिंग, सेकंड लीड में नयनतारा भी जो कंधे से कंधा मिलाकर सॉलिड काम किया है, सुपर अमेजिंग। उसके बाद दीपिका का भी जबरदस्त कैमियो देखने को मिला, उसका प्रिया मनी और सानिया मल्होत्रा ने भी जबरदस्त किरदार निभाया है सपोर्टिंग में, और विलेन के रूप में हमें जो सुपर टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर विजय सेतुपति देखने को मिले, ऑसम, आग फाड़ के रख दी, मतलब ऐसा विलेन, क्योंकि SRK बहुत ही हैवी एटीट्यूड के साथ निकलते हैं और इतने सारे मल्टीपल SRK हैं तो इसके सामने एक सॉलिड विलेन तो होना ही चाहिए, गदर 2 की तरह नहीं कि सनी देओल एक तरफा सबको मारते हुए ले जा रहे हैं। तो डायरेक्शन इज सुपर अमेजिंग, बाय गॉड मैं फिर कह रहा हूँ अटली ना होता तो शायद जवान ऐसी ना बन पाती, लिख के ले लो, क्योंकि मास मसाला एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी हम काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं। पिछले कुछ ही समय पहले पठान भी देखी, क्या उसमें स्टोरी में इतना दम था? नहीं था। इसी के साथ मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे और डायरेक्शन बाय अटली कुमारी सुपर फंटास्टिक, बहुत जबरदस्त काम किया है। हाँ, साउथ के डायरेक्टर हैं तो साउथ का तड़का देखने को मिलेगा और वही मजेदार मिलेगा। मूवी को एच पैन इंडिया रिलीज कराया गया है और मूवी ने पहले ही दिन से धमाका काट के रखा है अपने 7वें दिन तक आज तक, बाय गॉड। तो अब बात करते हैं पहले दिन से कितनी धूम मचाई मूवी ने। फर्स्ट डे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करेंगे तो ह्यूज कलेक्शन किया, हिंदी से 65.5 करोड़ और तीनों लैंग्वेज को मिला के 74.5 करोड़ टच किया ऑल इंडिया नेट से फर्स्ट डे। तो टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना किया? 130 करोड़ फर्स्ट डे पे। इसी के साथ ओपनिंग डे में ही तमाम बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स हिंदी से खदेड़ चुकी थी मूवी। बात करें डे 2 की कैसी रही कलेक्शन, तो सेकंड डे नेट कलेक्शन 55 करोड़ का रहा और ग्रॉस कलेक्शन 70 करोड़ का रहा सेकंड डे, और पूरी दुनिया से 107 करोड़ के आंकड़े को टच किया सेकंड डे में। इसी के साथ डे 3 में हिस्ट्री मेकिंग परफॉर्मेंस देते हुए अभी तक की हाईएस्ट कलेक्शन डे 3 से ही आया है सिंगल डे में, सिर्फ हिंदी से 68 करोड़ के आंकड़े को टच किया था मूवी ने। तो इसी के साथ पहले 3 दिन का टोटल नेट इंडियन कलेक्शन कितना हो गया था? 180 करोड़ को टच कर लिया था। इसी के साथ पूरी दुनिया से डे 3 में 144 करोड़ के आंकड़े को टच किया था पूरी दुनिया से। तो पहले 3 दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो जाता है मूवी का? 385 करोड़ के आसपास, और हाईएस्ट ग्रॉसर बनी क्योंकि ये लाइफ टाइम कलेक्शन होता है बहुत सी एवरेज से अबव मूवी का, लाइक राधे और किसी का भाई किसी के जान, ये 300 करोड़ के आंकड़े में ही सिमट कर रह गई थी। लेकिन जवान ने पहले 3 दिन में ही लाइफ टाइम कलेक्शन 385 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया, मात्र 15 करोड़ कम थे 3 दिन में ही 400 करोड़ टच करने के लिए, और गदर 2 के फर्स्ट वीक कलेक्शन को अपने पहले 3 दिन में ही बीट डाउन कर दिया।
किया। पठान, KGF 2, चेन्नई एक्सप्रेस, दंगल, वॉर, ब्रह्मास्त्र सभी के कलेक्शन रिकॉर्ड को खदेड़ चुकी थी फास्टेस्ट ग्रोइंग के मामले में और ह्यूज कलेक्शन इन हिंदी लैंग्वेज में डे 3 में ही कलेक्शन के मामले में। बात करें डे 4 यानी फर्स्ट संडे में कैसी ग्रोथ रही, अमेजिंग ग्रोथ रही, सारे रिकॉर्ड फाड़ दिए। फर्स्ट संडे में तो लगभग 71 करोड़ की कमाई सिर्फ हिंदी से करी। इसी के साथ पूरी दुनिया से संडे एंड तक कितना कमाया, 135 करोड़ के आंकड़े को टच किया एंड ऑफ द डे तक फर्स्ट संडे में। इसी के साथ पहले 4 दिन में पूरी दुनिया से कितनी कमाई करी, 520 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर दिया था। और फास्टेस्ट पहले 4 दिन में ही हिंदी सिनेमा की नंबर 1 मूवी बनी जिसने 520 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी। दोस्तों अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को सिर्फ 4 दिन में ही बीट डाउन कर दिया बुरी तरीके से एसआर ने। इसी के साथ डे 5 में हिंदी से 30.5 करोड़ और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 32.92 करोड़ ऑलमोस्ट 33 करोड़ मान के चलो का कलेक्शन किया था नेट इंडिया से डे 5 में एंड ऑफ द डे तक। इसी के साथ ग्रॉस कलेक्शन कितना रहा, 40 करोड़ के आसपास डे 5 में। और पूरी दुनिया से डे 5 में टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना करा, 55 करोड़ का कलेक्शन रहा। बात करें कल यानी डे 6 में कैसी ग्रोथ रही, जी हां दोस्तों सिर्फ हिंदी से कल एंड ऑफ द डे तक 27 करोड़ का होल्ड करते नजर आई है मूवी। और ऑल लैंग्वेज हिंदी, तमिल और तेलुगु को मिलाकर नेट इंडियन कलेक्शन एंड ऑफ द डे तक डे 6 में कल कितना रहा, 29 करोड़ के आसपास आंकड़ा नजर आता दिखा है। इसी के साथ कल डे 6 में एंड ऑफ द डे तक ग्रॉस कलेक्शन कितना रहा, मात्र 36 करोड़ के आसपास रहा। और पूरी दुनिया से कल मूवी ने अच्छा खासा ग्रोथ नजर में लेके आई और लगभग 55 करोड़ का कलेक्शन करते नजर आई मूवी कल एंड ऑफ द डे तक अपने डे 6 में। इसी के साथ कल एंड ऑफ द डे तक एक ह्यूज रिकॉर्ड अपने नाम किया है, एक अनबीटेबल रिकॉर्ड की ओवरसीज से पहले 6 दिन में ही 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने वाली मूवी बॉलीवुड की ये नंबर 1 हो चुकी है जिसने बहुत ही कम समय में कलेक्शन किया है। और बहुत सी मूवी के लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले के भी रिकॉर्ड को इसने खदेड़ दिया ओवरसीज से ही 6 दिन में ह्यूज कलेक्शन करके। इसी के साथ कल और अच्छी ग्रोथ हो सकती थी अगर इंडिया का मैच ना होता तब। इसी के साथ आपको बता दूं तो कल डे 6 की फुल डे कलेक्शन रिपोर्ट फ्लेक्सिबल है अभी तक। जब ऑफिशियल अपडेटेड रिपोर्ट आ जाएगी डे 6 की तो उस पर अलग से वीडियो बना दी जाएगी। सिर्फ कल फुल डे की जो डे 6 की रिपोर्ट है वो पूरी कवर अप करी जाएगी मॉर्निंग टू इवनिंग टू नाइट तक, कैसी क्या ग्रोथ रही, कितनी कमाई कल उसने करी है। इसी के साथ बात करें आज यानी 7वें दिन में कैसी ग्रोथ है, तो यस आज भी वेडनेसडे वर्किंग डे है लेकिन कल के मुकाबले आज डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। सिर्फ कल ही नहीं परसों के मुकाबले भी, क्योंकि दोनों ही दिन इंडियन क्रिकेट मैच होने के बाद इवनिंग से ग्रोथ में डीप देखने को मिली थी लेकिन आज सॉलिड ग्रोथ करते नजर आ रही है मूवी सुबह से ही। जी हां दोस्तों फुल डे ओवरऑल लगभग 30-35 से 37% की ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिल रही और इवनिंग और नाइट में आज कल से ज्यादा हाउसफुल बैनर के साथ मूवी लगातार ट्रेंड कर रही है। तो आज एडवांस से 5 करोड़ का कलेक्शन रख लिया है खाते में मूवी एंड ऑफ द डे तक। ऑल इंडिया नेट से कितना कमाएगी आज, लगभग 27 करोड़, जिसमें से सिर्फ हिंदी से 25 करोड़ का आंकड़ा लाते नजर आ रही है एंड ऑफ द डे तक आज 7वें दिन में। इसी के साथ पहले 7 दिन में ही आज एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से कितना कलेक्शन कर लेगी मूवी, लगभग 365 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी। और पूरी दुनिया से आज भी एंड ऑफ द डे तक लगभग 50 करोड़ का कलेक्शन करते नजर आ रही है मूवी। और पहले 5 दिन में ही पूरी दुनिया से आज 675 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी या मे बी 680 करोड़ के आंकड़े को भी टच कर दे, क्योंकि कल डे 6 की ऑफिशियल रिपोर्ट अभी आई नहीं है, जब आएगी तो हमको आंकड़ा पता लग जाएगा। इसी के साथ जवान बहुत ही कम समय में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी, फिर 200, 300, 400, 500, 600, अब 700 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने वाली है आज नहीं कल को। और इसी के साथ बॉलीवुड की बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी बनके सामने आ रही है। इसी के साथ जवान अपने आने वाले संडे तक 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री मारेगी ही नहीं, क्रॉस भी कर सकती है। साथ ही पठान के सारे रिकॉर्ड जवान ने तोड़ दिए हैं अपने पहले दिन से ही, साथ में बाहुबली और KGF 2 और RRR, वॉर, दंगल, सुल्तान, बजरंगी भाईजान के भी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए हैं हिंदी कलेक्शन के मामले में और बहुत तेजी से ग्रॉसर के कलेक्शन के मामले में और इंडियन कलेक्शन के मामले में भी और एक आध मूवी का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। इसी के साथ टाइगर जिंदा है कि पूरी दुनिया से लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को आज मूवी ने खदेड़ दिया है। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी है, आप लोग बताएंगे ऐसे में जवान टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन कितनी कमाई कर सकती है, क्या 1500 करोड़ के आंकड़े को टच कर जाएगी या फिर 1800 करोड़ को टच करेगी, या फिर आपके हिसाब से क्या लगता है कि 2000 करोड़ को टच करेगी या क्रॉस करेगी, ये आप लोग बताएंगे कि आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर। तो जिस हिसाब की ग्रोथ ये कर रही है डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि 10 दिन के अंदर 1000 करोड़ टच कर जाएगी इजीली।
आपको क्या लगता है कि ईजिली टच कर जाएगी या संडे तक टच कर जाएगी या 10 दिन के अंदर कर जाएगी, सब कुछ आप अपनी राय अपने हिसाब से जरूर कमेंट बॉक्स पर लेकर जाना। इसी के साथ मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद।